वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजा कहाँ है? हमको नहीं मालूम राजा कहाँ है। झूठ बोलता है, यही गाड़ दूंगा तुझको। तुम्हारी काम। बोल राजा कहाँ है? अपुन को नहीं मालूम भाई। तेरे को नहीं मालूम, तेरे को नहीं मालूम, तेरे को नहीं मालूम। साला बनता है साला, साला बनता है साला। अंदर तक साले को। हाथ। समय देखते हैं भाई। बुड्ढे तू हाँ? अरे अरे यहाँ कहाँ घुसे आ रहे हो? ए मास्टर राजा कहाँ है? राजा इधर नहीं है। झूठ बोलता है तो बेटा तेरा। अरे अरे तुझे पता नहीं। ए पुड़िया, ए पुड़िया, पीछे मत आ तू, पीछे मत आ। मैंने बोला पीछे मत आ तू। ए पुड़िया, जिंदा गाड़ दूंगा उसको मैं, समझे तो? ए मास्टर, हैं? तुझको मालूम नहीं, देख लूंगा तुझको भी, उसको भी मार डालूंगा साले को। तुझे ढूंढ रहा है। उसने बाबूजी को भी मारा।
एक्सक्यूज मी, क्या रे? कौन है आप? मेरे को नहीं पहचान था, नया है? सिटी सर्जन अन्ना, कितना बड़ा बड़ा ऑपरेशन किया है, सब हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन चलता है, पेपर नहीं पढ़ता क्या? सॉरी, पेपर पढ़ो, क्राइम कॉलम में मेरा नाम छपता है, गवर्नमेंट जाओ। अच्छा जी, साला बात करता, मेरे को नहीं पहचानता। ए बेन, ये आल्सो गो, तेरे को भी बहुत कुछ लिए, काय को गया था उधर मरने के वास्ते? मैं राजा को छोड़ेगा नहीं। ए पहले तू ठीक हो जा, इसको यहाँ से शिफ्ट करो और पता करो कहाँ है वो, किधर है वो छोकरा। साला उसका ऑपरेशन मैं खुद करूंगा। अदालत मुलजिम राजा को 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश देती है। राजा मेरे बच्चे, तू घबराना मत है, मैं तेरे लिए करेंगा कुछ, मैं सिद्धि विनायक जाएंगा। हाँ राजा, चलो। राजा, ये तुमने क्या किया? हमने क्या क्या सपने देखे थे, तुमने सब तोड़ दिए। खुशी, मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं है, मुझे भूल जाओ। खुशी, मेरा रास्ता बदल चुका है, मुझे भूल जाओ। नहीं राजा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मुझे विश्वास है तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, चलो। ये देखो तुम्हारे राजा की तस्वीर, फ्रंट पेज पर न्यूज छपी है। मैंने कहा था ना कि गुंडे का भाई गुंडा ही होता है। राजा गुंडा नहीं है डैडी। ये तुम कह रही हो, लेकिन सारा शहर और पुलिस उसे गुंडा, मवाली, खूनी और न जाने क्या क्या समझता है। देखो उसे भूल जाओ और आज के बाद उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो, बस। राजा मेरे दिल में था, है और हमेशा रहेगा। तुम्हारे इस पागलपन से मेरा फैसला नहीं बदलेगा। तुम्हारी शादी धर्म अधिकारी के बेटे मोंटो से ही होगी। वाओ, देखना। अबे क्या लड़की है यार, ऐसी सुंदर लड़की तो मैंने इस क्लब में पहले कभी नहीं देखी। ये तेरे काबू में आने वाली नहीं है। अबे जा, मेरा नाम मोंटो है, इसे पटा कर दिखाऊं? इसे पटा कर दिखा। लगी शर्त। क्या लगी शर्त? Excuse me. I'm Monto.
तो मैं क्या करूं? मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। लेकिन मैं नहीं चाहती, हट जाओ मेरे रास्ते से। और अगर ना हटा तो? तुझे कितनी बार फोन किया, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा? हाँ सिद्धांत, हाथ छोड़ मेरा। तू है क्या, एक बामली सा पुलिस इंस्पेक्टर? छोड़ूंगा नहीं तुझको, तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। चलें। अरे चीजें जी के होते चिंता मत कीजिए सब। डैडी। अरे भांजे, ये तुम्हारे लाल लाल गाल को कौन कुत्ता खटकाया भाई? मजाक मत करो, डैडी कहाँ है? डैडी तो गए ऊपर। क्या भगते हो मामा, मेरे सर पे खून सवार है, बताओ डैडी कहाँ है? अरे बाप रे, बहुत गुस्से में है, लगता है जूतों का मार पड़ा है। मामा बताता हूँ बताता हूँ। अरे भांजे, हमारा मतलब वो ऊपर से नहीं बल्कि ऊपर वाले कमरे से है। डैडी। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, क्या जीजा जी, मार मार के कैसा कुत्ता बना दिया है? अरे थारी ये हालत किसने की? इंस्पेक्टर सिद्धार्थ ने डैडी। दो टके के इंस्पेक्टर की ये मजाल किसने तुझे मारा? उसको फौरन सस्पेंड करा दीजिए। उसको सबक सिखाना, उस और बहुत आराम है। हमको बोलता है हमारे बियर बार के अंदर ड्रग का धंधा चलता है, हाँ लेकिन किसी नहीं मालूम, झूठ बोलता है सबूत मिलेगा तो अंदर करेगा, अन्ना को अंदर करेगा, अन्ना को। अरे आप चिंता कहाँ करते हैं, जी जी है ना। साला बाबू, कमिश्नर को फोन लगा। जी एक मिनट, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और आज जीजा जी का बहुत पहुंचे भाई। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? कमिश्नर साहब नमस्कार। हम कुंज बिहारी बोलता हूँ। अरे मंत्री जी का साला, हाँ जीजा जी आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ दीजिए एक मिनट। कमिश्नर साहब, थारे उस सिद्धांत को आजकल बहुत चर्बी चढ़ गई है, उसकी इतनी हिम्मत की उसने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, फौरन सस्पेंड करो उसको। मंत्री जी अच्छा हुआ कि सिद्धांत ने आपके बेटे को लॉकअप में नहीं डाला। अपने बेटे की हरकतों को काबू में कीजिए, वरना किसी दिन आपकी कुर्सी चली जाएगी। और आज जिस लड़की को आपके बेटे ने छेड़ा है वो मेरी बेटी है। डैडी वो हो गया सस्पेंड? डैडी वो तो सस्पेंड नहीं हुआ, लेकिन तेरे चक्कर में मेरी कुर्सी जरूर चली जाएगी। छेड़ने के लिए तो जो उस कमिश्नर की लड़की मिली। धर्माधिकारी का फोन था, कह रहा था सिद्धांत को सस्पेंड कर दो, उसके बाप का राज है। सर उसके बेटे की बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। जब भी मौका मिले उसको लॉकअप में डाल देना, जो होगा मैं बाद में देख लूंगा। इडियट, जाने क्या समझते हैं अपने आप को, लंगूर कहीं का। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है। सर मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तुम तो चाय पी के जाना सिद्धांत, नहीं तो पूजा नाराज हो जाएगी। क्यों पूजा? राइट डैडी, चलता हूँ। अच्छा पूजा, तो मैं भी चलता हूँ। तुम कहाँ जाओगे, इतने दिनों के बाद जो मेरे काबू में आए हो? मुझे काबू करना इतना आसान नहीं, मैं चला। गुड बाय। ए बाबू, ए बाबू। चले ना तेरा काबू, चल हट बाजू ये कैसा जादू, मुझ पे चले ना
जागा सोया सोया तेरी चाहत में मैं खोया खोया जागा जागा सोया सोया तेरी चाहत में मैं खोया खोया ओ मेरी जाने जा बाहों में आ जाना दिल जान तुझ पे बुला ए बाबू कैसा चलाया तू डी जादू ए बाबू दिल पे नहीं मेरे काबू 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 मेरी नींद गई मेरा चैन गया तेरी चाहत में क्या क्या न गया ऐसे सदा ना बाहों में आओ ना दिल जाने तुझ पे लगा दूं ए बाबू चल गया तेरा जादू 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 हेलो क्या हो रे कैसा है तो बस फर्स्ट क्लास अन्ना खुश है ना अच्छा अन्ना लेकिन इधर मन नहीं लगता है तेरे को टीवी दिया मोबाइल दिया अभी बियर बार भी उधर ही खुलो क्या नहीं अन्ना थोड़ा एक्चुअली बाहर की हवा खाने का है बाहर हवा नहीं मिलती है गोली मिलती है गुंडों का इनकाउंटर चालू है उधर आराम से रहना सरकारी दामाद बन के किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ कोई तकलीफ हो तो मुझे बताओ तकलीफ 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 पब्लिक पब्लिक को पब्लिक बोलता है तू बहरा क्या रे नहीं है ना नहीं 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 है ना नहीं नहीं हाँ सुन वहां एक सर्जरी करना है किसकी अन्ना राजा नाम का लड़का है 14 दिन का रिमांड है रिमांड के बाद उसका डिमांड बढ़ने वाला है उसके पहले सर्जरी कर डाल हो जाएंगे अन्ना लेकिन अन्ना काम होने के बाद जरा अपने को बाहर आने का है पहले काम कर ओके ओके होएगा होएगा अन्ना होएगा गेम बजा साला तपलिक देता है तपलिक की तपलिक ए ये राजा कौन है रे नया फंडर है कल देखा चिकना है राजा तुमको जेलर साहब ने बुलाया है
लाइए दीजिए, काम हो जाएगा, वो हम दोनों एक ही हैं, सिर्फ कपड़े का अंतर है, जाइए। हाँ 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 पहुँचा दीजिए, काम हो जाएगा, एक मिनट बाद फोन करता हूँ। आइए ना खेलते हैं चेस। हाँ किसके साथ? अकेले खेलते हैं। अकेला? दुनिया में पहला आदमी देखा है जो अकेला चेस खेल रहा है। गवर्नमेंट ने इनको मंत्री कैसे बनाया? अरे गवर्नमेंट ने बनाया अन्ना, जनता ने बनाया है। अच्छा? है ना जीजा जी? सो रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, सोचते हैं मंत्री होके। हाँ। दुनिया में पहला मंत्री देखा जो देश के बारे में इतना सोचता है। अरे देश के बारे में नहीं, चेसवा के बारे में सोचते हैं। इतना तो सामने वाले कभी सोचते हैं ना। अन्ना देखना मेरी शतरंज की चालों का कमाल, अगले इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मारी होगी, सारे दुश्मनों को मात दे दूंगा। मात छोड़ो, पहले तुम्हारे पुराने दुश्मन प्रताप को मार दो, नहीं तो वो बाहर आके तुम्हारे स्टैचू को हार पहना देगा। क्या मतलब? मतलब वो अंदर राजा से मिल गया है, दोनों ने मिलकर रॉबर्ट का ऑपरेशन किया है, अगर वो बाहर आ गया तो। ओह, तो इंस्पेक्टर प्रताप राजा के जख्मों पर मरहम लगा रहा है। मरहम नहीं, आग में घी, घी नहीं पेट्रोल डाल रहा है। दो दुश्मनों का मिलना बहुत गड़बड़ होगा जी। अरे नहीं, अरे कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा जीजा जी, अरे अब जनते नहीं है, हमारे जीजा जी जो है ना राजनीति के राक्षस हैं। राक्षस? हाँ, इनके दिमाग में शैतानी कीड़े पड़े पड़े हैं। साला बाबू, हमने कहता हूँ दीदी कहती, देखिए तो सोचते हैं, ऐसा लगता है बहुत तगड़ा सोचते हैं। देखिए तो काली है? जीरो। क्या बोलते हैं? अगर आपकी पुलिस और कानून ने मेरा साथ दिया होता तो मैं ये रास्ता कभी नहीं अपनाता। सच तो यह है इंस्पेक्टर साहब कि पुलिस, कानून और अदालत ये सब शरीफ और ईमानदार लोगों की हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि गुंडे, मवाली और माफिया की हिफाजत के लिए होते हैं। नहीं राजा, ये महज तुम्हारी गलत फहमी है। गलत फहमी नहीं, सच्चाई है। अगर गलत फहमी होती तो आप जैसा सच्चा और ईमानदार पुलिस अफसर आज सलाखों के पीछे नहीं होता। अफसोस तो इस बात का है कि शंकर का कत्ल तब हुआ जब उसने जुर्म का रास्ता छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। मुझे आज भी याद है वो दिन जब शंकर जेल से सजा काटकर बाहर आया था। क्या ना, तुम अपन का आरती उतारता है? आरती नहीं, वेलकम करता है। जब फौजी लोग बॉर्डर से घर आता है ना तो माँ बाप उसका आरती उतारता है, और अपन का भाई लोग जब जेल से बाहर आता है ना तो हम उसका आरती उतारता है। सेफ रिटर्न होम। काय का सेफ रिटर्न? 9 महीना अंदर रह के आला है। 9 महीने के बाद तेरा डिलीवरी हुआ ना, इस खुशी में मैंने आज बहुत बड़ा जश्न रखा है। थारो गोर बंद नखरा लो, बाटिला थारो गोर बंद नखरा लो, हो थारो गोर बंद नखरा लो, आली जा थारो गोर बंद नखरा लो।
रोको रोको गाड़ी रोको, टाइगर मेरे भांजे मेरे बच्चे, तो आ गया। तेरे लिए मैंने बहुत मन्नत मांगा, क्या सिद्धि विनायक जाने का, मुंबा देवी जाने का, लमाल निकाल, मन्नत पूरी करने का है। हे मामा, आज आप उनके पास कुछ नहीं है मामा, आप उन बिल्कुल खाली है। क्या मस्करी करता है मामा से है? तेरे पास माल नहीं, अक्का मुंबई का राजा है तू टाइगर भाई है? तेरे पास माल नहीं है? ये ले मामा। अरे इसका मैं क्या करूंगा? जब कोई नहीं पिलाएगा तो दिखा देना, अक्का दुकान पिला डालेगा। खुश रहो भांजे, खुश रहो। माँ, ए माँ, माँ। अरे मेरा बेटा, भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ। तुम अंदर जाओ शांति, यहां क्यों आए हो? अपन अपन के घर नहीं आ सकता है क्या? फौरन यहां से चला जा टाइगर, तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ए, कैसा बात करता है बाबा? क्यों हिंदी समझता नहीं है क्या? ये मेरा घर है मेरा, इस घर में गुंडे मवालियों के लिए कोई जगह नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं जी, इतने दिनों के बाद तो बेटा घर आया है। अरे तो कौन सा सरहद पर जंग लड़के आया है कि इसकी आरती उतारू? जेल से आया है, जेल से। जब तक अंदर था शांति थी, यहां रहने लगेगा तो रोज नए तूफान खड़े होंगे, दिन में पुलिस वाले तो रात में गुंडे मवाली परेशान करेंगे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी औलाद। जो लोग पहले हमारी इज्जत किया करते थे, आज इसकी वजह से हमसे बात तक करने में घबराते हैं। सब मुझे गुंडे का बाप कहते हैं। गुंडा साला, उनको गुंडा बोला, इधर इस चीज डालेगा साले को। अब उनको गुंडा बोला? ए माँ, अब गुंडा पैदा हुआ था तेरे कोख में, अब गुंडा था क्या? कौन अब उनको गुंडा बोलता है? अब उनको गुंडा बनाया किसने? तुम्हारे समाज ने, तुम्हारी पुलिस ने, कब ने? मैंने? वाह बेटा वाह, बस यही सुनना बाकी रह गया था। सुन लिया ना शांति, मैंने इसे गुंडा बनाया है, मैंने। वाह, सारी दुनिया ने तेरी वजह से मेरी इज्जत उतारी, जो बची कुची थी वो आज तूने उतार दी। तूने उतारी नहीं, बनाई है। तुम क्या समझता है लोग तुम्हारे सच्चाई और ईमानदारी को सलाम करता है? अरे टाइगर के बाप को सलाम करता है, टाइगर के बाप को, टाइगर को, तुमको नहीं। नहीं बनना मुझे टाइगर का बाप। चला जा तू, चला जा यहां से, हमारे लिए तू मर चुका है। अरे जाता है जाता है, तुम इस रहो इस गटर में। तुम क्या समझता है अपुन इधर तेरे लिए आता है, अपनी माँ के लिए आता है? अपुन की माँ का ख्याल रखना। समझता है क्या अपने आपको? मास्टर, ए बस्ती वालों, जाता है टाइगर इधर से, आज के बाद इधर नहीं आएगा अपुन, याद रखना। मास्टर हिटलर बनता है, समझता है क्या अपने आपको? तेरे बिना अपुन नहीं जी सकता है क्या? वो जा रहा है, उसे रोकिए। तो अंदर जाओ शांति, अंदर जाओ। शंकर तुम क्या बात है? अरे बात क्या होगा, आज से अपुन का कोई घर नहीं। एक झटके में बोल दिया निकल जाए इस घर से, अब उनके लिए तुम मर चुका है। अरे अपुन विकस के लिए खोपड़ी निकल गया, आज से अपुन का भी कोई नहीं, जान नहीं, अपुन का भी कोई नहीं। ए, तू अपना साथ देगी क्या? वरना अपुन अभी इधर से चला जाता है। मैं तो तुम्हारे प्यार में अपना सब कुछ लुटा चुकी हूँ शंकर। ए, तू बहुत अच्छी है रे चांदनी, आज से अपुन इधर ही रहेगा। रहने दीजिए मास्टर जी, आपसे पैसा लेकर मरना है का? क्यों, अगर टाइगर भाई को मालूम पड़ गया तो हमारा धंधा पानी बंद हो जाए। अरे ये क्या कर रहा मास्टर जी? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सब्जी, कहीं और से ले लूंगा मैं। मास्टर जी आप कहीं से भी लीजिए, पैसा आपसे कोई ना ले, क्योंकि आप टाइगर भाई के बाप। नहीं हूं मैं टाइगर का बाप। प्रणाम मास्टर जी। अरे मास्टर जी पहचाना नहीं आपने मुझे, मैं काबर साहब का बेटा निखिल। कैसे मास्टर जी आप? मैं ठीक हूँ। आइए ना मास्टर जी, आपको घर तक छोड़ दूँ? नहीं नहीं
मैं चला जाऊंगा। अरे मास्टर जी ऐसा कैसे, कमाल है आप, आइए ना मास्टर जी, मुझे सेवा का मौका दीजिए प्लीज, आइए ना मास्टर जी प्लीज, आइए 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 बैठिए। पानी पूरी बहुत तीखा है भैया जी, थोड़ा सा मीठा डालिए इसमें। और क्या कर रहे हैं आजकल? अरे मास्टर जी बस एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, छोटा मोटा काम मिल जाता है कर लेते हैं। हाँ अगर आपकी मेहरबानी हो जाए तो एक बड़ा काम भी मिल सकता है। मैं समझा नहीं। अरे मास्टर जी अगर आप टाइगर भाई को बोलकर एक फोन करवा देंगे ना तो ये टेंडर मुझे मिल जाएगा, सब लोग उनसे डरते हैं मास्टर जी। गाड़ी रोको, मैं कहता हूँ गाड़ी रोको। अरे मास्टर जी क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम था कि गाड़ी में बिठाकर तुम मेरा अपमान करोगे। अरे मास्टर जी इसमें अपमान की क्या बात है, देखिए जब तक टाइगर भाई है नोट कमा लीजिए, बाद में किसने देखा है। चुप कर बदतमीज। अरे क्या हुआ, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? क्या यही सब पढ़ाया था मैंने तुम्हें? मास्टर जी पढ़ाया था? अरे मास्टर जी ये ईमानदारी और सच्चाई का सबक जो आप दुनिया को सिखाते हैं ना, अपने बेटे को सिखाइए। हरिश्चंद्र आया बड़ा। ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ और पढ़ाई में ध्यान दे। बाबूजी आ गए। बाबूजी आपके कपड़ों पे ये दाग? ये दाग तो धुल जाएंगे बेटा, लेकिन जो दाग मेरी इज्जत पर लगे हैं ना, वो मैं इस जिंदगी में नहीं धो सकता। लोग मुझे कुंडे का बाप समझते हैं, मुझे पैसे देकर टाइगर से अपना काम करवाना चाहते हैं। किसने ऐसा कहा आपसे बाबूजी, बताइए मुझे। अरे किस किस का नाम लो, किस किस की जुबान रोकोगे तुम? टाइगर का बाप तो मैं हूं ही, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता जो लोग मुझसे करवाना चाहते हैं। मैं नहीं कर सकता वो। मैं सोचता हूं कि हम ये शहर छोड़कर ही चले जाएंगे, यहां ना हम जी सकेंगे ना इसकी पढ़ाई हो सकेगी। लेकिन हम कहां जाएंगे? अरे कहीं भी चले जाएंगे मगर इस शहर में नहीं रहेंगे। राजा तू इधर, क्या काम है? हाँ तुमसे मिलने आया हूं भाई। हाँ बोलना भाई, तुम मेरी बात मानोगे तो बोलूंगा, नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा यहां से। हाँ बोलना क्या काम है भाई। तुम इन लोगों का साथ छोड़कर मेरे साथ घर वापस लौट चलो। समझा, तू सेटलर बाप के साथ रहकर उसका बोली बोलना सीख गया है। अरे अपन ये सब छोड़कर जाएंगा तो किधर जाएंगा? हाँ भाई मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं कि तुम इन लोगों का साथ छोड़कर मेरे साथ घर चलते हो या नहीं? अरे उधर से वो हिटलर बाप उनको घर से निकालेगा, इधर से तू निकालेगा, तो अपन किधर जाएगा? बहुत क्या प्रॉब्लम है तेरे को? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भाई। तुम्हारी वजह से इस शहर में हमारा जीना मुश्किल हो गया है, जिंदगी हराम हो गई है हमारी, ना दिन में चैन है ना रात को नींद, पढ़ना लिखना सब भूल जाऊं मैं, सब बाबूजी को गुंडे का बाप और मुझे गुंडे का भाई कहते हैं, कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता आपसे भाई। ये सब टेंशन तू काको पालता है, तू पढ़ाई में ध्यान देना। अरे तेरे को बड़ा अफसर बनने का है। जिन हालात में मैं जी रहा हूं ना, अफसर तो क्या चपरासी भी नहीं बन पाऊंगा मैं। भाई भाई तुम चाहते हो ना कि मैं बड़ा आदमी बनूं, जिंदगी में कुछ बन जाऊं? हाँ तुम चाहते हो ना भाई, तो चलो मेरे साथ चलो। राजा अपन ये सब नहीं छोड़ सकता है, साला अपन का बाप अपन को गुंडा मानता है तो अक्का दुनिया तो मानेगा ही ना। अरे शंकर से टाइगर कैसे बना तू तो जानता है ना, जानता है ना अपन शंकर से टाइगर कैसे बना? पहली बार जब जिंदगी में हाथ उठाया वो भी अपना बाप का वास्ते, कोई अपने बाप का बदनामी करे अपन से बर्दाश्त नहीं होता है। दूसरी बार जब तेरा कॉलेज में लफड़ा हुआ अपन को अंदर किया, जेल से बाहर हुआ तो बस ही का प्रॉब्लम। शंकर भाई को बुलाओ, शंकर भाई ये करेगा, शंकर भाई वो करेगा। अरे जब सब कुछ शंकर करेगा तो शंकर के लिए कौन क्या करेगा? ब्लैकलिस्ट अपन हुआ, साला बस ही के बदनाम अपन हुआ। अरे जब अपन अपन का घर आता है ना, अपन का बाप अपन को ऐसे देखता है जैसे अपन उसका कोई दुश्मन है, उसका बेटा नहीं, कोई अपन का हाथ पकड़ने को तैयार नहीं। और जब अन्ना ने अपन का हाथ पकड़ा तू बोलता है अन्ना का हाथ छोड़, कैसे छोड़ेगा अन्ना का हाथ? छोड़ेगा, अपन अन्ना का भी हाथ छोड़ेगा, लेकिन उस दिन जिस दिन तू एक आईपीएस ऑफिसर बनेगा अपन तेरे को सल्यूट मारेगा, तेरे पास आकर सरेंडर करेगा, ये टाइगर का वादा है। एक और बात सुन, अगली बार तू इधर नहीं आएगा, तू इधर नहीं आएगा, तेरे को मेरा कसम है, समझा क्या? ठीक है भाई चलता हूं मैं।
सॉरी, रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, माफ कर दो। अब तक नाराज हो? नहीं। ए, फिर क्या बात है? खुशी, हमारी आखिरी मुलाकात है, अब इसके बाद हम कभी नहीं मिल सकते। ये क्या कह रहे हो तुम? टाइगर की वजह से हम सब घर वाले बहुत परेशान हैं। वो गुंडागर्दी नहीं छोड़ेगा और इसीलिए बाबूजी ये शहर छोड़ देना चाहते हैं। और तुम मुझे? वाह राजा वाह, कितनी आसानी से तुमने अपना फैसला सुना दिया, और ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? सोचा था खुशी, और बहुत सोचने के बाद मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि मैं तुम्हें कोई खुशियां नहीं दे पाऊंगा, और वैसे भी तुम्हारे डैडी को यह रिश्ता मंजूर नहीं है। तुम्हें पाने के लिए मैं दुनिया के सारे रिश्ते ठुकरा सकती हूँ राजा, मेरा रिश्ता सिर्फ तुमसे है, और मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। खुशी, आई लव यू राजा, आई लव यू, आई लव यू। खुशी जी, कहां से आ रही हो? जब आपको सब कुछ पता चल ही गया है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। उस गुंडे मवाली के साथ रहकर ज़बान चलाना भी सीख गई हो? डैडी, मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रही हूँ, राजा आपकी नजर में मवाली होगा, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। मुझसे ज़बान चलाती है? आज से तेरा घर से निकलना, कॉलेज जाना सब बंद। देखा ना अंकल, क्या जादू कर दिया उस गुंडे मवाली ने, दिन रात उसी के गुनगाती रहती है। तुम बेफिक्र रहो मोंटू, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ खुशी से होगी, ये मेरा फैसला है। गोल कहां से आया तेरे पास इतना माल? मेरे पास माल नहीं है टाइगर भाई। मालूम मेरे को, साला थिएटर में ब्लैक करने वाले लुक्खा आज थिएटर का मालिक, बंगले का मालिक, फार्म हाउस का मालिक। हाँ, कहां से आया इतना माल? मेरे छोटे छोटे, बोलने तो तेरे शौक डालेगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे। अरे उनका तो ख्याल कर, बोल किधर से आया इतना माल तेरे पास? बताता हूँ, बताता हूँ, क्रिकेट से। तू गावस करे, टेंडुल करे। हाँ ठीक सर, ठीक सर, टाइगर भाई। तभी मैं बोला मीर चंदानी के साथ फिक्सिंग करता हूँ। बड़ी शारजा का अभी तक कुछ फिट नहीं हुआ है, नहीं कल कड़ाची बात होगी ना, सब फिट हो जाएगा। लेकिन बड़ी वो मेरा 50% एडवांस भूलना नहीं है, ओके? हेलो बड़ी, कौन बोलता है? नी तेरा बाप। अरे मेरा बाप तो बहुत साल पहले मर गया, नहीं उसको मरे हुए 4 साल हो गए साईं। दूसरा जिंदा है टाइगर। अरे टाइगर है तो जंगल में जाओ, यहाँ शहर में रह के हमारा दिमाग क्या चाटता है? नी अपन तेरे घर में मिर्चंदानी, सामने देख। टाइगर भाई तुम यहाँ? मिर्चंदानी, सीबीआई का माफिक तेरे को बहुत ढूंढा, बहुत मुश्किल से तेरा पता मिला। क्यों टाइगर भाई? आप उनको मालूम है तू क्रिकेट का मैच फिक्स करता है, प्लेयर लोगों के साथ तेरा डायरेक्ट कांटेक्ट। बोल कल का मैच कौन जीतेगा? बड़ी आप क्या बोलता है टाइगर भाई, हम तो मैच देखते तक नहीं है। नहीं देखता? नहीं, हम तो बचपन से बॉल भी हाथ में नहीं पकड़ा है टाइगर साई, मैच कहां से देखेगा? तेरे को नहीं मालूम, अब मालूम पड़ जाएगा। बता कल का मैच कौन जीतेगा? झूलेलाल की कसम टाइगर साई, मेरा तो साबुन और पापड़ का धंधा है। नहीं तेरे को सब मालूम है, बता वरना सारी की सारी गोली इधर ही निकाल डालेगा। बता टाइगर साई, पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान। टाइगर से पंगा नहीं लेने का, समझा? समझ गया, माफ कर सर, समझ गया। अन्ना टाइगर, कल का मैच पाकिस्तान जीतेगा, जितना पैसा लगाने का लगा। ए बिहारी, जीजा को फोन दो। बोलिए जीजा जी, मीटिंग में हमसे बोलिए, क्या बात है? अरे उसको बोलो उसको हम मुख्यमंत्री बनाता है। हेलो, पहले जनता मुख्यमंत्री बनाती थी, अब ये साला गुंडा लोग बनाएंगे, हद हो गई। बोलो गुंडा जी। हाँ, ए, क्या बोला रे? गुंडा बोला? नहीं, अन्ना बोला, अन्ना बोला। हम ये बोलता हूँ कि आप थोड़ा होल्ड करके रखिए, हम अभी जीजा जी को बुलाता हूँ। हाँ जल्दी बुलाओ, साला चाय से किटली करो। हाँ मुझे मालूम है मीटिंग चल रहा है, मालूम मेरे को सब चिटिंग चलता है। कौन है ये? लीजिए गुंडे का फोन है। हाँ? नहीं नहीं नहीं, अन्ना का फोन है, दोनों सेम। हाँ बोलो ना। अरे क्या बोलने का,
टीवी पर वो अमिताभ बच्चन सबको बुलाकर करोड़पति बनाता है ना, मैं तुमको अरबपति बनाता हूँ। कैसे, जरा सुनो तो। अरे खेल के क्रिकेट मैच, मल्ला तो कभी बल्ला नहीं पकड़ा, क्रिकेट खेलेंगे कैसे? जीजा जी हमारा नाम लिखवा दीजिए, हम खिलाऊं क्या? अरे तुमको नहीं बोला रे, ये बिहारी बोलता है ये क्रिकेट खेलेगा। लेकिन अन्ना हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? तेरे पास नहीं है लेकिन पार्टी फंड है ना, उसका चाबी तुम्हारे पास, ताला खोलो, पैसा निकालो, गेम में डालो, जीतो फिर एमएलए खरीदो, सीएम बनो। वाह क्या आइडिया है, क्या आइडिया है अन्ना। लेकिन थारा मैच फिक्स तो है ना? नो नो, मैच बिल्कुल फिक्स, नो रिक्स, नो रिक्स। बाय 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 बाय। साला बाबू है, अब सीएम की कुर्सी दूर नहीं है। नॉट कंप्लीटेड द सीरीज एंड वी थॉट दैट वुड बी अ से वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। जीजा जी आज तो ऐसा लगता है कि आपके इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। इलेक्शन की बात क्यों करता है रे? चुप बैठ के मैच देख, सामने देखे। आज का मैच इलेक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है अन्ना, पार्टी फंड का सारा पैसा दांव पे लगा दियो है। तो हमारा भी लगा है खोखा में, बेहतरीन टाइमिंग और वो मारा चौका बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले चौका मारा फिर छक्का मारा, अभी अट्ठा मारेगा। अट्ठा? हाँ अन्ना जी, ये क्रिकेटवा है, इसमें आठ नहीं होता है। क्रिकेट का मैच जब फिक्स होता है तो आठ दस बारह सब होता है, क्या समझा? अठारह भी हो सकता है। जिया जी ये क्या हो रहा है? ए टाइगर, ये विकेट पे विकेट उड़ते जा रहे हैं, मन में तो घबराहट हो रही है। इतनी घबराहट तो हमारे चुनाव में भी नहीं हुई। मंत्री जी टेंशन क्या को लेता है, एक क्रिकेट है, बाजी कभी भी पलट सकता है, और फिर ये तो अपन का मैच है, फिक्स है। फिक्स है, रिस्क है, फिक्स है, रिस्क है। अरे मैच पलट गया, डूब गया पैसा, बर्बाद हो गया। क्या है सब है? क्या है ये सब? तारी बातों में आके हमारा सारा पैसा डूब गया, कौन सा मैच फिक्स हो? आप उन क्या कर सकता है, अब उनके साथ भी धोखा हुआ है। अरे तुमने हमको बर्बाद किया, रोड पे लाया, मैच फिक्स था तो ना, ये मैच हमारे लिए नहीं इसके लिए फिक्स था। अपनी टोपी उल्टी पहना गया मैं, सारा माल अंदर करके आए। ए कालिया आप उन पे इल्जाम लगाता है टाइगर पे, इधर ही चीज डालेगा तेरे को। ए मुझसे पंगा मत ले, मार डालेगा तुझे। बकवास बंद करो, क्या है ये सब? ये हार मारे से बर्दाश्त नहीं होगी टाइगर। टाइगर तुमने बहुत गड़बड़ किया, तुमने धोखा दिया हमको। जीजा जी अब क्या, डूब गया पार्टी का पीसा, अब तो गई मारी कुर्सी। चंदानी, शहर के किसी माइकल लाल में इतनी हिम्मत नहीं जो टाइगर से पंगा ले। बोल, तूने अपन के साथ धोखा क्यों किया? हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया टाइगर साईं, वो तो कैप्टन ने लास्ट मोमेंट पे गेम घुमा दिया। नहीं, झूठ मत बोल। आज पहली बार तेरी वजह से अपन जलील हुआ, अन्ना और वो मंत्री का बच्चा अपन को बेईमान बोला, तेरी वजह से अपन के माथे पर बेईमानी का दाग लग गया। बोल तूने अपन के साथ धोखा क्यों किया? हमने किसी को धोखा नहीं दिया झूले लाल की कसम, हम तो खुद तबाह बर्बाद हो गया। नहीं पहुंचाना बताए, हाँ हाँ चल फोन दे।
अब्दुल कालिया बोल रहा हूँ, मीरचंदा ने तूने तो वो काम किया है जो कभी मीर जाफर ने किया था एक तीर और दो निशाने अपन के पास माल भी आ गया और साला टाइगर के इज्जत का वाट भी लग गया है उससे डरने का नहीं, अपन तेरे साथ है क्या? सुन रहा कि नहीं? माल का 50-50 कर लेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं 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 चाहिए भाई, नहीं नहीं नहीं। हेलो 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 मेरी चंदारी होते क्या? नहीं क्या हुआ डाली? मीर चंदानी तो क्लीन बोल्ड हो गया। ओह नो, साला तूने मेरे साथ ही गेम खेला। काट डालो साले को। कर सकता है, मेरे को बिलीव नहीं होता है। अपन क्या झूठ बोलेगा ना तुझसे? साले ने मीर चंदारी के साथ सेटिंग किया था, उसे माल देना पड़ेगा, साले ने उसको भी टपका दिया, सारा माल अंदर कर गया। मैं बोला तो मालूम क्या बोला? अपन को अन्ना की जरूरत नहीं, अन्ना को टाइगर की जरूरत है। बोला अन्ना जाए फाड़ में। साला धोखे बाज, तू बॉस की तरह उसके ऊपर नजर रख। ए, ये चिक चिक मिक मिक अपुन को नहीं समझता है क्या? मैं तेरे को बोला एक बार, गिरा डाल मतलब गिरा डाल। नहीं, मैं नहीं गिराऊंगी इसे, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। मैं तुम्हें सिर्फ यही बताने आई थी और अब मैं जा रही हूँ, मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। कौन है साला? तू ठीक है ना? साला अगर इसको कुछ हुआ ना, पक्का मुंबई को चलाना लगा पुन। चांदनी, हाथ मत लगाओ मुझे। शंकर प्लीज चले जाओ यहाँ से, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। और अब मैंने सोच लिया है कि मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। नहीं चांदनी, तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना होगा। ताकि दुनिया इसे हरामी कहे। कौन साला इसे हरामी कहेगा? ये अपुन का बच्चा है, टाइगर का बच्चा। यही तो मैं नहीं चाहती शंकर, नहीं चाहिए मुझे टाइगर का नाम। अगर तुम चाहते हो कि इस बच्चे को जन्म दूं, तो तुम्हें सारे गलत काम छोड़ने होंगे, उन सब गलत लोगों का साथ छोड़ना होगा। बोलो छोड़ सकते हो? छोड़ दूंगा चांदनी, मैं उनका साथ छोड़ दूंगा, तेरे लिए और आप उनके होने वाले बच्चे के लिए।
आप उन लोग का साथ छोड़ देगा। मैं कैसे यकीन कर लूं शंकर? आप उनको अपने बच्चे की कसम चांदनी, आज से आप उन सबको छोड़ देगा। सच कह रही हो शंकर? हाँ चांदनी, आप उन तेरे से शादी आज ही बनाएगा, फुल मंजूर है। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्र निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आयुष्मान प्रणाम कर लीजिए। शंकर, मैं माँ और बाबूजी का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। कोई फायदा नहीं चांदी, अब उनके बाप ने आज तक अपन को नहीं अपनाया तो तेरे को क्या अपनाएगा? अरे तू मेरे बाप को जानती नहीं, वो बड़ा हिटलर है हिटलर। शंकर, कहते हैं शादी के बाद अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद न लो तो शादी सफल नहीं होती, अधूरी रह जाती है। चलोगे ना? तू बोलती है तो अपन चलेगा, पर अपन उसके सामने नहीं आएगा, अपन ने कसम खाई है, बोल मंजूर? तो चल। नमस्ते मां जी। नमस्ते, कौन हो तुम? आपकी बहू शंकर की पत्नी। शंकर की पत्नी? कौन है शांति? नमस्ते। कौन है ये? ये कहती है कि ये शंकर की पत्नी है। शंकर की पत्नी? मुझे पता था एक ना एक दिन यही होना है, वो जरूर किसी को धोखा देगा, पड़ाफत हमारे गले आएगी। धोखा नहीं बाबूजी, उन्होंने मेरे साथ शादी की है और हम आप दोनों से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। बस बस ठीक है, सदा सौभाग्यवती रहो, और इसके अलावा और कुछ है भी नहीं हमारे पास देने को, और ना ही टाइगर से हमारा कोई रिश्ता है। कहने से क्या होता है बाबूजी, बाप और बेटे का तो खून का रिश्ता होता है, उसे इतनी आसानी से नहीं मिटाया जा सकता। और फिर मुझे मालूम है कि आप टाइगर से नफरत करते हैं, शंकर से नहीं। आपका शंकर वापस आ गया है बाबूजी, उन्होंने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं, उन सब गलत लोगों का साथ छोड़ दिया है। मैं बाप हूं उसका, तुमसे ज्यादा मैं उसे जानता हूं, वो कभी नहीं सुधर सकता। अरे जब मैं उसे नहीं सुधार सका तो तुम क्या सुधारोगी? बाबूजी, उन्होंने मेरी कसम खाई है, मुझसे वादा किया है, उन्हें माफ कर दीजिए। बाबूजी, मैंने आपको बहुत दुख दिया, बहुत परेशान किया, इसका एहसास आप उनको आज हुआ। जो बच्चा इस दुनिया में अब तक नहीं आया उसके लिए आपन इतना परेशान है तो आपन समझ सकता है कि आपने मेरे लिए कितना दुख उठाया होगा। आप उनको माफ कर दीजिए बाबूजी, आप उनको माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए ना, आप उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबूजी, आप उनको माफ कर दीजिए, आप उनको माफ कर दीजिए।
रहा हूँ रहूंगा तेरा ही दीवाना, चाहू न मैं कभी होश में आना, रहा हूँ पास आना, कभी दूर जाना, कभी मुस्कुराना, कभी झेप जाना, दीवाना बनाता जाए, दीवाना बनाता को मैंने इबादत का।